खबर उधम सिंह नगर से। तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज से घर लौट रहे एक व्यक्ति पर अचानक गुलदार ने हमला कर दिया है। इस हमले में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि पतरामपुर वन परिक्षेत्र के आए दिन गुलदार के हमलों की सूचना मिलती रहती है। पिछले कुछ माह में गुलदार के हमलों में कई लोग घायल हो गए हैं, जिस कारण क्षेत्र में गुलदार की दहशत बनी हुई है। देर शाम पतरामपुर निवास बूटा सिंह गांव में दूध लेकर घर वापस आ रहा था, जहां रास्ते में उस पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसमें व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार चल रहा है। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी राजकुमार सिंह ने बताया कि सभी बीट अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दें। उच्च अधिकारियों के आदेश पर जगह जगह पिंजरे भी लगाए गए हैं। लोगों को भी हिदायत दी गई है कि शाम होने के बाद घर से न निकलें, अगर निकलें तो सावधानी बरतें ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। अब देखना होगा कि ग्रामीणों को गुलदार के आतंक से निजात मिल पाती है या नहीं। जशपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। घर के पास ही है, पीछे शमशान घाट है उसके बिल्कुल पास में। वो मेरे ऊपर उसने छलांग लगा दी। पीछे मेरा बेटा और एक मेरा भतीजा आ रहे थे, थोड़ी पीछे थे, उन्होंने आके छुड़वाया मेरे को उससे। एक व्यक्ति बदरामपुर के बूटा से, ये जो शमशान घाट है यहाँ का, उधर जा रहे थे। अचानक ही जो है शाम का समय था, तो एक लेपर्ड ने इन पे अटैक किया। इसको तुरंत जो है सरकारी चिकित्सालय में दिखाया गया, उसके बाद वहाँ से उनको रेफर करके काजीपुर रेफर किया गया। एक मरीज को लाया गया जिसका नाम बूटा सिंह था और वो यहाँ पतरामपुर के रहने वाले थे। उनको हाथ पे बहुत ज्यादा निशान थे, बता रहे थे कि किसी जंगली जानवर ने अटैक किया है। उनको उल्टे हाथ पे बहुत ज्यादा घाव थे, बहुत लगभग बड़े बड़े, कम से कम 7-8 सेंटीमीटर के 3 से 4 उनको घाव थे। बहुत बड़ा एक कोहनी में था जिससे ब्लीड, फ्रेश ब्लीड आई थी बहुत ज्यादा, तो उसकी नस पसली हुई थी।